अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर्स को करेंगे एंड दिस विल प्रोबब्ली बी द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर पैथोलॉजी टू। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन अभी जो आपको पता होनी चाहिए एज फार एज ब्रेन ट्यूमर्स आर कंसर्न वो है अबाउट द ग्लायल एंड नॉन ग्लायल ट्यूमर्स। जो ग्लायल ट्यूमर्स हैं वो ग्लायल सेल्स में होते हैं। जो ग्लायल सेल्स हैं दे आर द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, दे आर सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। ठीक है, उसके अंदर एस्ट्रोसाइट्स आ जाते हैं, एपेंडिमोबल सेल्स आ जाते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आ जाते हैं और इस तरह के और मुख्तलिफ सेल्स हैं वो आ जाते हैं, तो वो ग्लायल सेल्स कहलाते हैं। उनके जो ट्यूमर्स होते हैं वो ग्लायल ट्यूमर्स हैं। जो बाकी न्यूरॉन्स के या बाकी चीज़ों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्यूमर्स हैं दे आर नॉन ग्लायल। अब जैसे अगर मेनिंजस का ट्यूमर है तो देयर इज मेनिंजियोमा, पिट्यूटरी का ट्यूमर है तो देयर इज पिट्यूटरी एडिनोमा। अगर आपका क्या उसे कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स का ट्यूमर है विच इज अ ग्लायल सेल तो देयर इज एस्ट्रोसाइटोमा। अगर आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का ट्यूमर है तो देयर इज ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। इसके अलावा अगर एपेंडिमल सेल्स का जो कि सीएसएफ में आते हैं उसका ट्यूमर है तो एपेंडिमोमा। मेडुलरी रीजन का ट्यूमर है तो मेडुलोब्लास्टोमा। ठीक है, और न्यूरोमा या श्वानोमा यानी कि जो श्वान सेल्स होते हैं जो कि नर्व्स के ऊपर माइलिन शीथ लगा रहे होते हैं अगर उसका ट्यूमर है तो देयर इज श्वानोमा। ठीक है, इसको एक्यूस्टिक न्यूरोमा भी कह सकते हैं यहाँ पे अगर वो एट्थ क्रेनियल नर्व के ऊपर हो तो एक्यूस्टिक नर्व होती है। एट्थ क्रेनियल नर्व इज एट्थ और सेवन्थ इकट्ठी होती है सो एक्यूस्टिक न्यूरोमा ऑफ द क्रेनियल नर्व सेवन। ठीक है, उसको आप एक्यूस्टिक इसलिए कहते हैं बिकॉज उसका हियरिंग पे इम्पैक्ट हो रहा होता है। अच्छा, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अगर किसी को सी एन एस के ट्यूमर्स हो? एक तो एपिलेप्सी हो सकती है यानी कि उसको फिट्स पड़ सकते हैं। ठीक है, और उसको जहाँ जहाँ ट्यूमर होगा वहाँ वहाँ जैसे मैंने आपको पहले बताया था लास्ट लेक्चर में कि फोकल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स एक चीज़ होती है तो फोकल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स हो सकते हैं, स्पीच प्रॉब्लम्स, सेंसेशन प्रॉब्लम्स, मोटर प्रॉब्लम्स। फिर उसके अलावा इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, हाइड्रोसेफलस के साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको ऑलरेडी दोनों चीज़ें डिस्कस करवाई जा चुकी हैं। अच्छा, इसके अलावा सेरेब्रल ट्यूमर होता कहाँ पे है? एडल्ट्स में सुप्रा टेंटोरियल ट्यूमर्स होते हैं। व्हाट इज टेंटोरियम? टेंटोरियम इज बेसिकली अ फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर जो सेरेब्रम और सेरिबेलम को अलग कर रही होती है। टेंटोरियम सेरिब्राई सेरिब्राई और फॉक्स सेरिब्राई होती है, उनकी दो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी अपनी थर्ड सेमेस्टर की एनाटॉमी के अंदर। तो ये दो चीज़ें जो हैं ब्रेन को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर रही होती है, नथिंग बट द फोल्ड्स ऑफ फोल्ड्स ऑफ दोज मेनिंजेस जो कि वहाँ पर मौजूद होती हैं। ठीक है, अच्छा, जो सुप्रा टेंटोरियल ट्यूमर्स हैं बेटा वो तकरीबन 90% होते हैं, मतलब सेरिब्रम। सुप्रा टेंटोरियल का सीधा सीधा मतलब है कि सेरिब्रल ट्यूमर्स यानी कि सेरिब्रम के सेरिबेलम से ऊपर ऊपर, सो वो तकरीबन एडल्ट्स में 90% वहाँ पर होते हैं। और इनके अंदर जो है एपिलेप्सी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, झटके पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन हेडेक के चांसेस कम होते हैं। जो पोस्टीरियर फॉसा ट्यूमर्स हैं उनके अंदर हेडेक ज़्यादा होती है और वॉमिटिंग होती है। ठीक है, हेडेक और वॉमिटिंग भी इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं जिसमें आपको देखना चाहिए कि कहीं ट्यूमर तो नहीं है, लेकिन वो पोस्टीरियर फॉसा का ट्यूमर होता है। ठीक है, पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा। जो बच्चे हैं उनके जो ट्यूमर्स हैं वो सेरिबेलम में ज़्यादा होते हैं तो सुप्रा टेंटोरियल कम है, यानी कि वो फोल्ड टेंटोरियम सेरिबेलाई वाज ओवर हियर तो जो इससे ऊपर है वो कम होते हैं, बच्चों में इससे नीचे होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें एपिलेप्सी कम होती है बच्चों को जो झटके लग रहे होते हैं उनकी और रीजंस होती हैं, उनको एपिलेप्सी के रीज़न ये नहीं होता कि उन्हें ट्यूमर है, लेकिन बड़ों का अगर वो शुरू हो तो फिर वो और रीजन होती है। सो उनको एपिलेप्सी कम होती है, उनको हेडेक वॉमिटिंग और वियर डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है क्योंकि ऑप्टिक नर्व सेकेंड क्रेनियल नर्व और उसके ट्रैक पे ट्यूमर ज़्यादा बनते हैं और पॉन्स में बन रहे हैं। ऑब्वियसली अगर इंफ्रा टेंटोरियल है यानी कि टेंटोरियम सेरिब्राई से नीचे है तो फिर सेरिबेलम पॉन्स वगैरह उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे करना है? एक तो पहले क्लिनिकल पिक्चर यानी कि साइन सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, साइन सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये सारा कुछ एक ही बात है। साइन सिम्टम्स,
ये देखो साइन सिम्टम, देखो सीटी स्कैन एमआरआई करा के देखो आपको नजर आ जाएगा, बायोप्सी करा के देखो ब्रेन की, उसको फिर उसके अंदर स्पेशल हिस्टोलॉजी होती है उसकी, स्पेशल मॉर्फोलॉजी होती है, पैथोलॉजी होती है, जिसके थ्रू आप माइक्रोस्कोप के नीचे जब रख के देखते हैं तो आपको पता चल जाता है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या मुख्तलिफ ट्यूमर्स की मेन मेन फीचर्स हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। फिर बायोप्सी कैसे कर सकते हैं, बायोप्सी एक छोटा सा हिस्सा लेके सिंपल उसको आप रख दें माइक्रोस्कोप के नीचे, दैट इज अ स्मियर, अगर फ्रीज करके रखे हुए दैट इज अ फ्रोजन सेक्शन, और एक चीज होती है जेली टाइप पैराफिन उसे कहते हैं, अगर उसके अंदर डाल के उस टिश्यू के हिस्से को देखें दैट इज पैराफिन काइंड ऑफ बायोप्सी। ये बायोप्सी की टाइप्स हैं, तो खाली बायोप्सी आपके लेवल पे काफी है। अच्छा क्लासिफिकेशन क्या है सीनियस ट्यूमर्स की, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक और एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स वाले ट्यूमर। इंट्रिंसिक का मतलब है जो सीएनएस के अंदर पैदा हो रहे हैं, बाहर से नहीं आया है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इंट्रिंसिक का मतलब है जो ब्रेन सेरिब्रम या सेरिबेलम या जो भी एरिया है पॉन्स या जो भी उसके अंदर से ट्यूमर बन रहा है, दैट इज इंट्रिंसिक, ठीक है। और वो सारे बच्चों के अंदर जितने भी ट्यूमर होते हैं सारे वो इंट्रिंसिक होते हैं, और एडल्ट के अंदर भी 60% इंट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक कौन से हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, क्रेनियल नर्व्स के ट्यूमर्स हैं, स्पाइनल नर्व्स के ट्यूमर हैं, ड्यूरा मैटर के ट्यूमर हैं, बाहर के सिस्टम से अंदर आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि मेनिंजेस का ट्यूमर है के देयर इज काइंड ऑफ एक्सट्रिंसिक, और एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स वाले ट्यूमर यानी कि जो पास पास स्ट्रक्चर्स पड़े हुए, पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ है, मेटास्टेटिक ट्यूमर यानी कि हुआ कहीं और है कैंसर और वो फैलता 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 ब्रेन तक पहुंच गया, देयर इज अ मेटास्टेटिक ट्यूमर बट वो एडजेसेंट के अंदर क्लासिफाई होता है। अच्छा ब्रेन ट्यूमर के इंपैक्ट क्या होता है, देखो जहां पे वो ट्यूमर होगा वहां पे एडिमा होगा एक तो, ठीक है, न्यूरल टिश्यू पे प्रेशर पड़ रहा होगा, डिस्टॉर्ट हो रहा होगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक मैस ऑक्यूपाइंग ग्लियन, इसको मैस ऑक्यूपाइंग ग्लियन भी कहते हैं, यानी कि कोई मैस वहां पे पड़ा हुआ है, कोई चीज पड़ी हुई है जो कि ट्यूमर है, वो वहां पे फिर प्रेशर डाल रही है बाकी चीजों पे, और जब प्रेशर डाल रही है तो बाकी जो न्यूरल टिश्यू डिस्ट्रक्ट भी होता है। अच्छा अब प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या, प्रोग्नोसिस मतलब कैसे पता चलेगा कि इस ब्रेन ट्यूमर में बंदा बच सकता है या नहीं बच सकता है, या ये ठीक होता है या नहीं होता, एक तो डिपेंड करता है पेशेंट के क्या हालात हैं, इम्यूनिटी इम्यूनिटी बाकी सारी चीजें, एज फैक्टर ये वो, फिर ट्यूमर किस स्टेज पे है, शुरू में पकड़ लिया एंड पे पकड़ा है, किस तरह का ट्यूमर है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इन दो चीजों पर डिपेंड करता है कि क्या हालात होंगे। अच्छा जो इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स है यानी कि जो स्कल के अंदर के ट्यूमर्स है, दे आर मोर देन द ट्यूमर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एडल्ट में अभी आपको बताया था सुप्राटेंटोरियल होते हैं, बच्चों में इंफ्राटेंटोरियल होते हैं ट्यूमर्स। बच्चों में जो सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर होते हैं वो ब्लड कैंसर होते हैं, यानी कि लिकीमिया वगैरह पैदा होते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे ब्रेन कैंसर होते हैं बच्चों में, ठीक है। जो प्राइमरी मैलिग्नेंट सीनियस ट्यूमर होते हैं यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन के अंदर ही बनता है, वो फैलता नहीं है ज्यादातर, मतलब बाकी बॉडी में नहीं जाता। अगर कोई ऐसा ट्यूमर निकला है जो कि मैलिग्नेंट ना हो, कैंसरस ना हो, बिनाइन हो, उसका नुकसान ये होता है कि वो प्रेस करता है बाकी ब्रेन को, और उसकी वजह से कंप्रेशन की वजह से जो आपको क्लिनिकल फीचर्स बताए हैं यानी कि फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स और वो जो सारी चीजें हैं उसकी वजह से होती है। जो जो ब्रेन के ट्यूमर्स जब आप देखते हैं कि कौन से ट्यूमर्स ज्यादा होते हैं ब्रेन में, तो कहते हैं कि ब्रेन में अंदर ट्यूमर ज्यादा नहीं बनता, अपने ब्रेन टिश्यू पर ट्यूमर नहीं होता, बाहर से बॉडी के किसी और जगह पर कैंसर होगा, मतलब लिवर में, किडनी में, कहीं और, वहां से फैलता फैलता ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है। असल ब्रेन के अपने अंदर के ट्यूमर्स कम कम ही होते हैं ओवरऑल अगर फ्रीक्वेंसी आप देखें। अब अगर आप ब्रेन के ट्यूमर्स के अंदर, वो जो नाम आपको बताए थे शुरू की स्लाइड में दिखाए थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर आप ब्रेन के ट्यूमर्स के अंदर उनके अंदर क्लासिफाई करें कि जो प्राइमरी ट्यूमर होता है ब्रेन के टिश्यू के अंदर, तो सबसे ज्यादा कॉमन उसमें एडल्ट्स में ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म होता है, मेनजियोमा, एकॉस्टिक न्यूरोमा, बच्चों में सेरिबेलर एस्ट्रोसाइटोमा और मेडुलोब्लास्टोमा होता है, बच्चों में आप देख रहे हो इंफ्रा टेंटोरियल है, टेंटोरियम से नीचे, और बड़ों में टेंटोरियम से ऊपर। अच्छा सबसे ज्यादा जो कॉमन डिसऑर्डर है बड़ों में, कॉमन ब्रेन ट्यूमर है, दैट इज ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, लेट मिडिल एज में जाके होता है, और इसके अंदर आप जब इसके सेल्स देखते हैं तो अच्छे खासे एनाप्लास्टिक प्लियोमॉर्फिज्म, मतलब सेल्स की शेप चेंज हो रही होती है, वहाँ पे वेसल्स नहीं बन रही होती हैं,
और हाइपरप्लेजिया हुआ होता है उन मसल्स में, ठीक है, और फिर नेक्रोसिस का एरिया होता है और कुछ ब्लीडिंग हुई होती है वहां पे, उसके अंदर ट्यूमर सेल्स है उसके अंदर एक फेंस की तरह अरेंज होते हैं, सूडो पैलिसेड या पैलिसेड, पैलिसेड का मतलब होता है फेंस, सूडो पैलिसेड लाइक अ फेंस, एक अंदर नेक्रोसिस का एरिया होगा, नेक्रोटिक एरिया होगा या ब्लड होगा वहां पे, उसके अंदर सेल्स अरेंज हुए होंगे इस तरह जैसे एक फेंस अरेंज हुई होती है, और ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर में होता है, यानी कि सेरेब्रल में होता है, बहुत बुरा ट्यूमर है, एक साल के अंदर अंदर डेथ हो सकती है। अगर आप देख रहे हैं सेरेब्रल का ग्लियोब्लास्ट में मल्टीफॉर्म दिखा रहे हैं और ये तेजी से फैलना शुरू होता है और ये पैलिसेडिंग हो रही है, ये बीच में एरिया है उसके इर्द गिर्द ये फेंस लगी हुई है, दैट इज न्यूक्लियर पैलिसेड, न्यूक्लिया यहाँ पे आगे लग रहे हैं, ठीक है, और ये न्यूक्लियर सूडो पैलिसेडेज, सॉरी न्यूक्लियर सूडो पैलिसेड, अच्छा पैलिसेड और सूडो पैलिसेड के अंदर एक फर्क होता है, पैलिसेड जो है वो जो पैलिसेड होता है वो लेयर जो सेल्स जो है वो किसी एक एरिया के इर्द-गिर्द होती है, वो एरिया जरूरी नहीं है नेक्रोटिक हो, लेकिन जो सूडो पैलिसेडिंग होती है वो ऐसे एरिया में होता है जो कि नेक्रोटिक होता है, यहाँ पे नेक्रोसिस होना जरूरी नहीं है खाली पैलिसेड के लिए, सूडो पैलिसेड के अंदर यहाँ पे नेक्रोसिस होगा, ठीक है, अच्छा सूडो पैलिसेड नेक्रोसिस है, अगर आपको सूडो पैलिसेड नजर आ जाए तो उसका मतलब ये है कि बहुत बुरा ब्रेन ट्यूमर है, स्पेशली चांसेस है कि ग्लियोब्लास्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे कॉर्ड दिखा रहा है, अक्सर ये मिड लाइन ऑफ सेरेब्रम के आसपास बनता है ग्लियोब्लास्ट होगा, क्रॉस कर जाते हैं मिड लाइन, फिर आपके पास आ गया ग्लीको डेंड्रो ग्लायोमा, ग्लीको डेंड्रोसाइट्स के साथ होता है, ये स्लो ग्रोइंग है, तेजी से ग्रो नहीं करता, जैसे कि दूसरा तेजी से ग्रो कर रहा था ग्लियोब्लास्ट होगा मल्टीफॉर्म, ग्लीको डेंड्रो ग्लायोमा स्लो ग्रो करता है, मिडिल एज ग्रुप में होता है और इसके अंदर सेल्स क्लोजली पैक करते हैं, बड़ा न्यूक्लियस और उसके अंदर काफी सारा खाली साइटोप्लाज्म, वो जो खाली साइटोप्लाज्म बीच में एक न्यूक्लियस है वो फ्राइड एग की तरह का सेल बना रहा होता है, तो फ्राइड एग अपीयरेंस होती है, ये भी सेरेब्रम में होता है, और ट्यूमर्स के मुख्तलिफ सेल्स बने होते हैं, मुख्तलिफ सेल्स ग्रुप्स बने होते हैं ट्यूमर्स में, ट्यूमर में ग्लीको डेंड्रो ग्लायोमा में जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बन रहे होते हैं उनके बीच में जो कैपिलरीज आ रही होती है उसकी वजह से, और एक और इम्पोर्टेंट फीचर्स का ये है कि उसके अंदर कैल्सिफाइड कैल्शियम डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाते हैं इस ट्यूमर के अंदर, तो वो इस तरह कैल्शियम डिपॉजिट्स की तरह नजर आना शुरू हो जाता है इन द सीटी स्कैन वगैरह या एमआरआई में, ठीक है, ये फ्राइड एग्स पड़े हुए काफी सारे, इनको अच्छी तरह से देख लो, अच्छा एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स स्टार शेप सेल्स होते हैं जो कि सपोर्टिव टिश्यू होते हैं ब्रेन के, मुख्तलिफ एरियाज को इकट्ठा करके रखते हैं, उनका जो कैंसर होता है एस्ट्रोसाइटोमा, ये सेरेब्रम में शुरू होता है और सेरिबेलम तक जा सकता है, सेरिबेलम में भी होता है, ये सुप्रा टेंटोरियल और इंफ्रा टेंटोरियल दोनों होते हैं, मर्दों में ज्यादा होता है 45 डेज के बाद होता है, एस्ट्रोसाइटोमा की बहुत सी टाइप्स हैं, कुछ तेजी से ग्रो करती है कुछ लोग, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 चार ग्रेड हैं, चार टाइप्स हैं एस्ट्रोसाइटोमा की, एक पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा एस्ट्रोसाइटोमा होते हैं, पाइलोसाइटिक का मतलब जिनसे बाल बाल से या धागे धागे से निकले हो, ठीक है, फाइब्रस अपीयरेंस होती है उनकी सेल्स की, एक डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा है, एक एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा है और एक ग्लायोब्लास्टोमा है, ये डिफरेंट है फ्रॉम ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, ये वो अलग है ही अलग है, यहाँ पे मुख्तलिफ साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये पाइलोसाइटिक है जिसके अंदर यूं आपको बाल 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 से नजर आ रहे हैं, पाइलस का मतलब बाल, ग्लायोब्लास्टोमा में आपको ग्लायोब्लास्टोमा वाले फीचर्स नजर आते हैं, यानी कि सूडो पैलिसेडिंग नजर आएगी, माइक्रो वैस्कुलर प्रोलिफरेशन मतलब वेसल्स बहुत ज्यादा बढ़नी होगी, अच्छा जहां पर भी ट्यूमर हो ना आपको ये पता होना चाहिए उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में, कि वहां पर बेटा वेसल्स बहुत ज्यादा होगी क्योंकि उस ट्यूमर को ग्रो करने के लिए खुराक चाहिए, खाना चाहिए, खाना उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगी बाय न्यू वेसल्स, तो न्यू वैस्कुलराइजेशन या माइक्रो वैस्कुलर प्रोलिफरेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है ट्यूमर सेल्स का, अच्छा इसके अलावा एनाप्लास्टिक में सेलुलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, न्यूक्लियस रेटिकुलर हो जाता है, प्लियोमॉर्फिज्म होती है, माइटोटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जो डिफ्यूज है वो
उसके अंदर ये पता नहीं चल रहा होता कि ये इसके सेल्स कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है, वो एक इस तरह का मिक्सचर एक ऐसी फीलिंग दे रहा होता है कि उसके अंदर लगता नहीं है कोई माइटोसिस हो रहा है या कोई नई वेस्कुलराइजेशन हो रही है या वेस्कुलर प्रोलिफरेशन हो रही है या कोई नेक्रोसिस हो रहा है, डिफ्यूज सा होता है, पता नहीं चल रहा कि क्या क्लियर कट चीजें हो रही है उसके अंदर, ठीक है। सो दैट इज ग्रेड 2 एस्ट्रोसाइटोमा। अब इसके बाद एक और टाइप ऑफ ट्यूमर आ गया हमारे पास, दैट इज एपेंडिमोमा। एपेंडिमोमा क्या होता है बेटा? एपेंडिमोमा इज बेसिकली अ ट्यूमर ऑफ द सेल्स, एपेंडिमल सेल्स व्हिच आर कंसर्नड विद द फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ, ठीक है। और ये जो ट्यूमर होता है बेसिकली ये फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर होता है जहां पे सीएसएफ होता है, और चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में ये ज्यादा भी होती है, या तो बच्चों को होता है या जो यंग एडल्ट्स हो रहे होते हैं उनके सबसे ज्यादा होता है। और इसके अंदर क्या नजर आता है आपको हिस्टोलॉजी के अंदर? ट्यूब्यूल्स नजर आती है, छोटे छोटे ट्यूब्स या रोजेट्स। रोजेट्स क्या होते हैं कि फ्लावर शेप अरेंजमेंट, दैट इज रोजेट। सेल्स इस तरह से अरेंज हुए होते हैं एक सेंटर में खाली जगह के इर्द गिर्द, जैसे फ्लावर्स बन रहे हो, ठीक है। और इनके अंदर रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो सीलिया जहाँ पे जिन सेल्स पे सीलियम होते हैं जो कि उनके मूवमेंट में हेल्प करता है, या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसके ऊपर से मुख्तलिफ चीज़ों को गुजारने में हेल्प करता है, उनकी एक बेसल बॉडीज होती है जिसके अंदर प्रोटीन पड़ी होती है जो सीलिया को बनाती है। बेसल बॉडीज ऑफ सीलिया इज एवरीथिंग रिलेटेड टू द सीलिया। उसके अंदर उसके पास रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, न्यूक्लियस के पास, उसे ब्लेफरोप्लास्ट्स कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ इस तरह की पेपिलरी शेप ग्रोथ होती है। पेपिलरी का मतलब एक छोटा सा ट्री टाइप, मतलब दिस इज अ पेपिला, या पेपिलरी टाइप ग्रोथ होती है। पेपिला आल्सो इज नोन एज अ निपल, ठीक है। तो पेपिलरी जो ग्रोथ होती है, देयर इज अ स्मॉल ग्रोथ जो कि स्टॉक लाइक भी हो सकती है या बगैर स्टॉक के भी हो सकती है, ठीक है। दिस इज अ पेपिलरी ग्रोथ, और अगर इसमें स्टॉक आ जाए यहाँ पे, देयर इज ऑल्सो अ पेपिलरी ग्रोथ। इस तरह की ग्रोथ बन जाती है उस खाली जगह पे ब्रेन के जो कि उसके वेंट्रिकल्स हैं, यानी कि जहाँ से सीएसएफ फ्लो कर रहा होता है, उस खाली जगह में इस तरह से ग्रोथ बन जाती है, और वो फिर इवेंचुअली सीएसएफ फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, और फिर इवेंचुअली आपको पता है हाइड्रो सेफलेस हो सकता है, ठीक है। सो ये एपेंडिमोमल सेल्स की खत्म, ये यहाँ पे वेंट्रिकल है खाली जगह, वहाँ पे एपेंडिमोमा बन गया, ये जो ग्रोथ आ गई है इसने सीएसएफ के फ्लो को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ऊपर वेंट्रिकल्स थे, थर्ड वेंट्रिकल सेरिब्रल एक्यूलेट, आगे फोर्थ वेंट्रिकल से जाना था नीचे पूरे ब्रेन के अंदर घूमना था, वो ब्लॉक हो चुका है, अब ये फूलना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोसेफलस हो जाएगा इसको, ठीक है। एपेंडिमोमा में क्योंकि वो सीएसएफ वाले रास्ते में, इसलिए वो वेंट्रिकल में आता है उसकी ग्रोथ, ठीक है। सो रोजेट शेप्ड अपीयरेंस, रोजेट शेप्ड अपीयरेंस पे आपको एक बात बता देता हूं, ये एक सेंटर में खाली जगह है, इसके लिए जो है वो सेल अरेंज है लाइक अ फ्लावर, ठीक है। सॉरी, ये सेल बहुत ज्यादा मैं उनको डिटेल में नहीं बता रहा, ये सेल है बेसिकली फ्लावर की तरह अरेंज हुए होते हैं उसके, ठीक है। देयर इज अ रोजेट, और ब्लेफरोप्लास्ट आपको बता दिया। अच्छा, इसके अलावा आप किस तरह के रोजेट्स होते हैं? दो तरह के रोजेट्स होते हैं, एक सूडो रोजेट्स, एक ट्रू रोजेट्स। पेरीवेस्कुलर सूडो रोजेट्स और ट्रू रोजेट्स में क्या फर्क है? इनमें ये फर्क है बेटा कि जो पेरीवेस्कुलर रोजेट है ना, ये जब बनेगा, ये जो इसकी जो अरेंजमेंट होगी सेल्स की, वो भी फ्लावर शेप होगी, लेकिन पेरीवेस्कुलर का मतलब है अराउंड अ वेसल, ठीक है। ये सेल्स हैं, सॉरी बोल देते मैंने, यहाँ पे अंदर वेसल होगी, यानी कि ये रेंडर्ड आपको ब्लड नजर आ रहा होगा। सो ये देखो वेसल के इर्द गिर्द जो पेरीवेस्कुलर रोजेट शेप अरेंजमेंट, दैट इज नोन एज सूडो रोजेट। सूडो रोजेट में बस सिर्फ ये वेसल आ जाती है बीच में, ठीक है। जो ट्रू रोजेट है उसके अंदर ये खाली जगह होती है, यहाँ पे वेसल नहीं होती, यहाँ पे वेसल नहीं होती, खाली जगह के इर्द गिर्द सेल्स अरेंज हुए होते हैं। ये फर्क है ट्रू रोजेट्स और उसके अंदर, ठीक है। ये ट्रू रोजेट है, सेंट्रल ल्यूमेन है खाली जगह, उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है, उसके इर्द गिर्द सेल्स अरेंज हुए हैं, ठीक है। और आपको सिलरी बेसल बॉडीज भी नजर आ सकती है। अच्छा, इसके बाद मेनिंजियोमा, सेकंड मोस्ट ट्यूमर, सेकंड मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर, ग्लियोब्लास्टोमा के बाद मेनिंजियोमा है।
ये भी स्लो ग्रोइंग है, 30 साल के बाद होता है, खवातीन में ज्यादा होता है। और ये मेनिंजिस की एरेक्नॉइड जो सेल्स होते हैं उसके पास जो सेंट्रल लेयर है या दरमियान वाली लेयर है मेनिंजिस की, वहां से ही ओरिजिन करते हैं। और इट इज एक्सटर्नल टू द ब्रेन, ब्रेन के अंदर नहीं होता एक्जेक्टली, क्योंकि ब्रेन के ऊपर की मेनिंजिस में है, ठीक है। और इसको आसानी से आप सर्जरी करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये वहां वहां होता है जब सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जहाँ जहाँ गोल घूम रहा हो, कन्वेक्स हो रहा हो, और पैरासेजिटल रीजन जहाँ सेजिटल रीजन जो बनता है बिल्कुल सेंटर से ब्रेन के उसके पास साइड में, और स्फीनॉइड बोन की एरिया के पास, ऑल्फैक्टरी एरिया के पास, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पास, और फॉर सेरिब्राई जो फोल्ड है मेनिंजिस का जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट और लेफ्ट को अलग अलग कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है, उसके पास भी वहां पे मेनिंजियमा बनता है। और इसके अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं व्हिच आर नोन एज सोमा बॉडीज। सोमा बॉडीज क्या होती हैं? सोमा बॉडीज ये होती हैं कि सेल्स जो है स्पिंडल शेप सेल्स, स्पिंडल की शेप तो आपको पता होगी सिंपली फॉर्म से शेप होती है, ये इस तरह की दोनों साइड से टेम्पल हो रही होती है, देयर इज अ स्पिंडल शेप सेल्स। स्पिंडल शेप सेल्स कंसेंट्रिकली अरेंज करते हैं गोल दायरे में, ठीक है। और ये जो कंसेंट्रिकली अरेंज करते हैं उनके बीच में कैल्शियम आके डिपॉजिट होना शुरू होती है, सो लेयर्स बन रही होती है, ठीक है। लेयर्स पे लेयर्स बन रही होती हैं, दैट लेयर या वर्ल्ड पैटर्न, ठीक है, दैट पैटर्न व्हिच इज कंसेंट्रिकली अरेंज सेल्स एंड द कैल्शियम डिपॉजिट्स इन इट, दैट इज नोन एज अ सोमा बॉडी। आपको भी आगे पिक्चर में दिखाता हूं कि व्हाट इज अ सोमा बॉडी लाइक। सो दिस इज व्हाट अ ट्यूमर इज लाइक, मेनिंजिस के ऊपर है ड्यूरामेटर का, ये इसके अंदर आपको सोमा बॉडी नजर आ रही है, ठीक है। कैल्शियम डिपॉजिट्स में स्पिंडल शेप सेल कंसेंट्रिकली अरेंज है, उनके बीच में कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं, दोस आर सोमा बॉडीज। फिर हमारे पास आ गया मेडुलरी रीजन का ट्यूमर, मेडुलोब्लास्टोमा। ये बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमन है और बहुत मैलिग्नेंट होता है, बहुत कैंसरस है, और इसके अंदर रोजेट या पेरिवेस्कुलर में स्यूडो रोजेट पैटर्न में सेल्स जो है वो अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। दिस इज मेडुलरी रीजन का ट्यूमर, मेडुलोब्लास्टोमा। ये रोजेट्स के नाम है होमर राइट रोजेट, ठीक है, रेडिश से नजर आ रहे होंगे आपको, इसके अंदर ब्लू सेल्स नजर आएंगे, ठीक है। इसके अंदर अलावा और क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड तक इसका मेटास्टेसिस चला जाता है, और फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता था, बिकॉज मेडुला में से फोर्थ वेंट्रिकल भी गुजरता है, तो इस वजह से वो फिर स्लोली स्लोली स्पाइनल कॉर्ड तक फैल जाता है मेडुलरी रीजन से। ये आपको उसके ग्रोस स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ट्यूमर निकाल के। अच्छा, अब हमारे पास आ गया न्यूरोब्लास्टोमा। ये पेरिफेरल न्यूरोब्लास्टोमा की तरह के, इसके अंदर अगर आप जेनेटिकली देखें कौन से जीन ज्यादा होता है, एन माइको ऑन्कोजीन, ठीक है, जो जीन आपने पढ़े होंगे अपने न्यूक्लियोप्लास्टी वाले चैप्टर में, कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं, कुछ ऑन्कोजीन होते हैं, प्रोटोन के जीन होते हैं जो ट्यूमर करवाते हैं। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन कम हो जाए, प्रोटोन के जीन ज्यादा हो जाए, बैलेंस डिस्टर्ब हो, तो फिर ट्यूमर बनना शुरू होता है, ठीक है। तो वो जीन जो है इसके अंदर ज्यादा हो जाता है ऑन्कोजीन, और उसकी वजह से फिर ये ट्यूमर बनता है। ये पेरिफेरी में भी होता है, ठीक है, ये बाकी जगह भी होता है। पेरिफेरी में ये गैंग्लिया में बनता है या एड्रिनल मेडुला में बनता है, ठीक है, उसी तरह का वहां पे नजर आता है। लेकिन ये न्यूरोब्लास्टोमा है तो न्यूरोब्लास्ट सेल्स के अंदर होता है। व्हाट आर न्यूरोब्लास्ट सेल्स? न्यूरोब्लास्ट सेल्स वो सेल्स होते हैं जो जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है, उसके जो नर्व सेल्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो अभी जो इमेच्योर नर्व सेल होता है दैट इज अ न्यूरोब्लास्ट, ठीक है। अक्सर बेचते हैं ये न्यूरोब्लास्ट प्रॉपर नर्व सेल बन जाते हैं, न्यूरॉन बन जाते हैं, लेकिन अक्सर खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार इनके अंदर ट्यूमर बन जाता है और उसका कॉज पता नहीं है, लेकिन जिनको फैमिली हिस्ट्री हो उनको वो ट्यूमर ज्यादा बन सकता है, और ये बच्चों में बन रहा होता है ज्यादा, ठीक है। कहाँ कहाँ न्यूरोब्लास्टोमा बन सकता है? एड्रिनल ग्लैंड में, सिम्पैथेटिक चेन में, कहीं गैंग्लिया के ऊपर, नेक में, थॉरेक्स में, पेरिटोनियम, रेट्रोपेरिटोनियम में, और पेल्विस में, यहाँ पे ये न्यूरोब्लास्टोमा सेल्स होते हैं। इसके अंदर साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर होगा, थकन होगी, बोन पेन होगी, टेंडरनेस होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, कफ, एब्डोमेन बड़ा हो जाएगा, एब्डोमेन बड़ा इसलिए होगा क्योंकि ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो फिर इवेंचुअली फ्लूइड रिलीज करवा रहे होते हैं या एडिमा करवा रहे होते हैं, और फिर ये इतना बड़ा फूल रहा होता है उसका, और रेडिश सी उसकी स्किन हो जाती है यहाँ पर। तो दिस इज न्यूरोब्लास्टोमा, ये आपको
रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, इतना बड़ा ट्यूबल बन गया है सारे लिवर को, स्टमक को उसने पुश किया हुआ है इन द रेट्रोपेरिटोनियल रीजन। फिर आपके पास आ जाता है हेमेंजियोब्लास्टोमा, ये सेरिबेलम के अंदर होता है और इसके साथ साथ और मुख्तलिफ ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, कई दफा आई भी इन्वॉल्व होती है, रेटिना में भी बन जाता है ये, और जब ये और एरियाज में और रेटिना में भी होता है तो और ब्रेन में भी होता है तो उसको जो डिजीज का नाम बनता है उसको कहते हैं वॉन ट्रिपल लिंडॉर डिजीज। ठीक है, ये दैट इज व्हेन दिस इज प्रेजेंट इन द सेरिबेलम रेटिना एंड अदर ऑर्गन्स, देन दिस डिजीज देन द डिजीज दैट हैज ऑल थ्री ट्यूमर्स ऑल थ्री काइंड ऑफ ट्यूमर्स दैट इज वॉन ट्रिपल लिंडॉर डिजीज। अब ये हेमेंजियोब्लास्टोमा है तो एज यू कैन सी इसके अंदर वर्ड आ गया एनजीओ, तो ये ब्लड वेसल्स का है, जब ये ब्लड वेसल्स का है तो ये एरिथ्रोपोएटिन भी कई दफा बना देता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स जब बन रही है एक्स्ट्रा तो फिर एरिथ्रोपोएटिन एक्स्ट्रा बनाएगा, ये एरिथ्रोपोएटिन एक्स्ट्रा बनाएगा तो उसकी वजह से सेकेंडरी पॉलीसाइक्लिन होगा, यानी कि रेड ब्लड सेल्स और बाकी जो सेल्स हैं ब्लड के वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये हेमेंजियोब्लास्टोमा आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ काफी सारी बन रही है वेसल्स बन रही है और आपको दिखाया हुआ है आगे। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास आ गया न्यूरीलेमोमा। ठीक है, न्यूरीलेमोमा लेमा का मतलब होता है मेम्ब्रेन। ठीक है, सही उस तरह से निकला हुआ है। अब ये जो मेम्ब्रेन की बात है यहाँ पे, व्हाट इज दिस मेम्ब्रेन अबाउट, दिस इज द मेम्ब्रेन दैट इज एक्चुअली कवरिंग द नर्व सेल। ठीक है, सो नर्व सेल को कवर करने वाली मेम्ब्रेन न्यूरीलेमा होती है और उसका आगे ट्यूमर बनने का दैट इज न्यूरीलेमोमा। The schwannoma, that is one type of covering of those nerves. Those जब Schwann cells में होते हैं तो बनते हैं दैट इज schwannoma. फिर ये Schwann cells से बनता है और ये benign होता है, cancerous नहीं होता, लेकिन अगर ये brain के अंदर आ जाए तो ये 8th cranial nerve के पास होता है, 7th नहीं sorry 8th cranial nerve के पास, और उसको acoustic neuroma कहते हैं, क्योंकि acoustic का मतलब होता है concerned with hearing. ठीक है, तो क्योंकि 8th cranial nerve hearing और balance के साथ, तो vestibulocochlear nerve है जिसका नाम है, वो हीरिंग और बैलेंस के साथ एसोसिएटेड है तो इसको एकोस्टिक न्यूरोमा कहते हैं या एकोस्टिक श्वानोमा भी कहते हैं। और ये तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्राइमरी ट्यूमर और सबसे ज्यादा कॉमन प्राइमरी ट्यूमर है जो ब्रेन के अंदर होता है। पहले नंबर पे ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, दूसरे नंबर पे मेनेंजियोमा, तीसरे नंबर पे एकोस्टिक न्यूरोमा। ठीक है, और ये अक्सर ब्रेन से बाहर भी होता है, पोस्टीरियर नर्व रूट्स के अंदर, पेरिफेरल नर्व्स के अंदर भी आता है, और इसके अंदर दो तरह की चीजें नजर आती है माइक्रोस्कोप के नीचे, एक टाइप है इसकी एंटोनी ए और एक टाइप एंटोनी बी। एंटोनी ए है, इसके अंदर लंबे लंबे सेल्स होते हैं, उनके बंडल्स होते हैं, उसके अलावा उसके इर्द-गिर्द पैलिसेडिंग न्यूक्लियाई यानी फेंस बना के उन सेल्स के अंदर और उन सेल्स के बाहर एक फेंस बनी होती है न्यूक्लियाई की। जो एंटोनी बी है इसके अंदर सेल्स इतना ज्यादा नहीं होते अरेंज जितने एंटोनी ए के अंदर अरेंज होते हैं। ठीक है, जो एंटोनी टाइप ए है यहाँ पे सेल्स हैं, उसके इर्द गिर्द फेंस बन रही है बाय द न्यूक्लियाई। ठीक है, सेल्स हैं उसके इर्द गिर्द ये न्यूक्लियाई फेंस बना रहे हैं। ठीक है, दैट इज एंटोनी ए। बाकी जो है जिनके अंदर सेल्स आपको साफ नजर नहीं आ रहे हैं, मतलब कोई इस तरह की पैलिसेडिंग नहीं हो रही, दैट इज एंटोनी टाइप बी। ठीक है, वेस्टिकुलर श्वानोमा भी आपसे कह सकते हैं, सेरिबेलोपोन्टाइन एंगल पे जहाँ सेरिबेलम और पॉन्स मिलते हैं उस रीजन में बना हुआ है, और वेस्टिबुलर पार्ट क्रिएटिनियन नर्व का इन्वॉल्व करता है। अच्छा, सेलुलर है एंटोनी ए और बी जो है वो लूज है, उसमें सेल्स आपको इतनी अच्छी तरह से नजर नहीं आ रहे होते। ठीक है, स्पोरेडिक का मतलब क्या है, जो दो तरह की इनहेरिटेंस होती है, दो तरह की एक्सप्रेशन होती है जीन्स की। स्पोरेडिक का मतलब है कि कोई फैमिली में नहीं था मसला, एकदम से एक नए इंसान को हो गया। फैमिलियल का मतलब है कि फैमिली में भी था। सारे कॉर्ड ट्यूमर जो होते हैं न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 तो हम अभी नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ अगर हो तो फैमिली में फिर ये वाला ट्यूमर भी होता है और ये वाला ट्यूमर भी होता है, वरना वैसे अलग से सिर्फ अगर अलग से होगा तो सिर्फ ये स्पोरैडिक केस होगा, फैमिली का नहीं होगा और एक साइड पे होगा, अगर फैमिली वाला होगा तो दोनों साइड पे होगा। न्यूरोफाइब्रोमा जो है पेरिफेरल नर्व्स ट्यूमर है, सॉलिटरी हो सकता है, श्वान सेल से भी डिराइव हो सकते हैं नर्व्स के अलावा, और इसका एक और टाइप ऑफ इलनेस है उसके साथ ही उसके अंदर होती है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस या फॉन रेटलिंग मोशन न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस,
उसके अंदर भी ये होता है कि उन लोगों ने उन लोगों के नाम पे ये नाम रखे गए जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये सारी बीमारियां इकट्ठी हो रही है, उसको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस कहते हैं, व्हिच इज अ ट्यूमर और न्यूप्लाज्म ऑफ पेरिफेरल नर्व्स और सम टाइम्स ऑफ श्वान सेल्स इवन। ये इस तरह से न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस पूरी बॉडी में फैला होता है श्वान सेल्स का, तो आपको पता चल सकता है कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। श्वानोमा और न्यूरोफाइब्रोमा, ये आपका श्वान सेल था। अभी देखो ये नर्व फाइबर्स हैं, इसके एंडोन्यूरियल और पेरिन्यूरियल शीथ है जो कि उनको कवर कर रही है। अब उसके जो अंदर श्वान सेल्स है वो वहां पे बड़ा सारा ट्यूमर बन गया श्वानोमा, या अगर न्यूरोफाइब्रल सेल है वो बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट कर रहे हैं तो उधर आ रहे हैं न्यूरोफाइब्रोमा। अच्छा, इसके बाद लास्ट टाइम जो थे मेटास्टेटिक ट्यूमर्स थे, मेटास्टेटिक ट्यूमर्स जो कि ब्रेन से बाहर से अंदर आ रहे हैं, यानी कि लंग्स, ब्रेस्ट, स्किन, किडनी, जीआई ट्रैक्ट, थायराइड से निकल के यहां तक पहुंच रहे हैं। तो प्राइमरी और मेटास्टेटिक में फर्क है, प्राइमरी मतलब जो ब्रेन के अंदर बन रहा है, मेटास्टेटिक जो बाहर से आ रहा है। प्राइमरी जो पूरी सिस्टम से डिस्क्राइब होता है, मतलब उसके अंदर बाउंड्री नहीं होती कोई खास, मेटास्टेटिक के अंदर बाउंड्री बनी होती है। प्राइमरी एक होता है, मेटास्टेटिक मुख्य छोटे 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 हल्के हल्के पूरे ब्रेन के अंदर फैले हुए होते हैं उसके पार्ट्स। फिर इसकी जो लोकेशन है वो जिस टाइप का होगा, श्वानोमा होगा एकोस्टिक न्यूरोमा होगा तो एक जगह होगा, पेरिन्यूरियल होगा तो पेरिन्यूरियल के पास होगा, ग्लायब्लास्टोमा होगा तो ब्रेन सॉरी ब्रेन के बीच में सेरेब्रल हेमिस्फीयर के आसपास होगा, और इस तरह से जहाँ से जिस एरिया का होगा एस्ट्रोसाइटोमा और लिपोडेंड्रोग्लायोमा, जहाँ जहाँ की होगी वहीं खड़ा होगा। लेकिन जो मेटास्टेसिस वाले ट्यूमर है, जो ब्रेन के अंदर व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर के बीच में जो जंक्शन बनता है वहां पे मेटास्टेसिस हो रहा होता है। मेटास्टेटिक ट्यूमर अगर आप देखेंगे कि कहीं और से अगर आ रहा है लिवर किडनी ब्रेस्ट वगैरह से, तो ये इस एरिया पे होगा और मल्टीपल होंगे, एक ही तरफ नहीं होगा, काफी सारे जहाँ जहाँ व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर मिल रहा है उधर उधर इसके काफी सारे डिपॉजिट्स बनने शुरू हो जाएंगे, काफी सारे फोकाई होंगे, ठीक है, ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर। अच्छा, अब ये आपको एक क्लिनिकल सिनेरियो दिखाया हुआ है ग्लायब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म का, 60 साल का आदमी सुसाइड कर दिया उसने और ऑटोप्सी के लिए आ गया, ऑटोप्सी के लिए आ तो नहीं किया गया, उसको लगाया गया कि करके देखें मसला क्या हुआ है। अच्छा, इसको इसने सुसाइड की इसलिए क्योंकि इसे बता दिया गया था कि तुम्हें जो बहुत बुरा ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, फिर उसको हेडेक सीजर्स वगैरह शुरू हो गए, एपिलेप्सी शुरू हो गई, इसका मेंटल स्टेटस कंफ्यूजन होनी शुरू हो गई उसके दिन में, एमआरआई किया उसका तो उसके अंदर आपको वाकई ट्यूमर नजर आया और वो मिड लाइन को क्रॉस कर रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट, मिड लाइन को क्रॉस कर रहा था, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर था, उसके अंदर एरियाज ऑफ नेक्रोसिस थे और नॉर्मल ब्लड वेसल थी, ठीक है, और सूडो पैलिसेड अरेंजमेंट थी ट्यूमर सेल्स की। कौन सा ट्यूमर होगा? ग्लायब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, ये आपको हिस्टोलॉजी से उसके पूरे के पूरे बाकी स्टोरी से पता चल रहा है, स्पेशली हिस्टोलॉजी से, और ये जिस एरिया में है उससे, हिस्टोलॉजी और एरिया इससे आपको आराम से ट्यूमर की टाइप पता चल रही है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स भी होते हैं इसके अलावा, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स एक्स्ट्रा डिजिट हो सकते हैं जो कि मेटास्टेसिस से आ रहे हैं, जैसे माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा जो बात की थी हमने, बोन के अंदर बोन के चैप्टर्स में, लिम्फोमा यानी कि जो लिम्फ नोड्स के अंदर बन जाते हैं, इंट्राड्यूरल जो कि जो आपका ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है अगर उसके अंदर हो तो ग्लायोमास बनेंगे, अगर उससे बाहर हो तो मेनिंजियोमा और श्वानोमा बनेगा। फिर कौन कौन सी जगह के ट्यूमर कैसे कैसे क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स बनाते हैं, फॉरमेन मैग्नम वाला 11th और 12th स्ट्रेन नर्व की पैरालिसिस करा देता है क्योंकि वहां से उन नर्व्स को गुजरते हुए तंग करता है, और एक साइड के हाथ की जिस साइड का ट्यूमर है उस साइड के हाथ की वीकनेस होती है और फिर चलने फिरने में मसला होता है, अटैक्सिया हो जाता है, नेक में पेन होती है। सर्वाइकल रीजन का अगर ट्यूमर होगा तो इसकी एक साइड की वीकनेस नेक के साथ भी होगी और दूसरे अपोजिट आर्म के अंदर भी होगी, ठीक है, और नेक की वेस्टिंग हो जाएगी, वहाँ के मसल्स वो खत्म हो जाएंगे, उस सर्वाइकल रीजन के अंदर पेन और टेम्परेचर सेंसेशन खत्म हो जाएगी, और सर्वाइकल रीजन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे जहाँ से वहाँ पे नर्व्स आ रही हैं उनके अंदर शूटिंग शार्प पेन होगी। थोरैसिक स्पाइन कॉर्ड के अंदर आ जाए तो एब्डोमिनल मसल की वीकनेस होगी, अब ये जॉन जॉन्स से नर्व्स इनसे निकल रही है, जॉन जॉन्स पार्ट बॉडी का ये कंट्रोल कर रहे हैं,
वो उन उन पार्ट्स में फंक्शंस खराब ना शुरू हो गए। थोरैसिक रीजन का अगर ट्यूमर हो तो एब्डोमिनल मसल्स को कंट्रोल करता है, तो उनकी वीकनेस होगी, आर्म्स बच जाएंगे और सिर्फ अपने लेवल पे इप्सिलेटरल एक साइड पे चेंजेस होंगी, आइसाइज का दोनों साइड से चेंजेस हो जाएंगे। फिर लंबो सैक्रल रीजन का अगर हो तो ग्रॉइन और शियाटिक रीजन में पेन होगी, पेल्विक मसल्स में मसला होगा, ब्लैडर का पैरालिसिस होगा, इम्पोटेंस हो सकती है बिकॉज सैक्रो लंबर प्लेक्सस इवेंचुअली गिव्स ऑफ टू डेंटल नर्व और सारी नर्व्स जो कि इवेंचुअली आपको नॉर्मल जेनिटो यूरिनरी फंक्शंस में हेल्प करती है। फिर इसके अलावा नी जॉइंट रिएक्शन डिक्रीज होगा क्योंकि वो सैक्रल रीजन के नर्व्स ने काम करना है, और एंकल का जो एंकल वाला जो फ्लेक्स है वो शाजू से ज़्यादा शार्प हुआ होगा। पार्टा एक महीना, अब ये बिल्कुल एंड पे आ गए स्पाइनल कॉर्ड के, जैसे पार्टा एक महीना का मतलब टेल जैसे जैसे उसकी टेल होती है ना हॉर्स की, उस तरह से एंड पे जाके स्पाइनल कॉर्ड की उस तरह से बिल्कुल खत्म नहीं होती, उस तरह से वहाँ पे टेल रह जाती फाइबर्स की। तो अगर उस एरिया के ट्यूमर हो रहा है तो क्या होगा, बैक पेन होगी एक साइड पे और फिर स्लोली स्लोली बैक और नेक की पेन दोनों साइड चली जाएगी अगर ट्यूमर बढ़ता चला जाए। और ब्लैडर और बावल का ट्यूमर जो कि सैक्रल प्लेक्सस के थ्रू हो रहा होता है वो पैरालाइज हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो जिस एरिया का जौन सा फंक्शन है वो इवेंचुअली खत्म होना शुरू हो जाएगा और पैरालिसिस होना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज इट, वी आर डन विद टुडेस लेक्चर। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है बेटा तो प्लीज पूछ लीजिए। कोई लेक्चर नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, एक्सक्यूज मी सर, सर लेक्चर 7 से पूछना है कि उसमें से कैसे सिनेरियो क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा बता देंगे? बस बहुत सिंपल से हो गए, क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर थोड़े बहुत बना दूंगा, ज्यादा सिनेरियो नहीं होंगे, दो तीन सिनेरियो होंगे, बस सिनेरियोस कम है। सर लेक्चर 7 में से इंपॉर्टेंट कुछ बता दें, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? मैं आपको मेल कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, दिस वाज योर लास्ट लेक्चर ऑफ पैथोलॉजी 2, उसके बाद आप अपने मेट्स दें और फिर रिवीजन लेक्चर्स शायद मैं लूँ, लेकिन वो मैं जूम पे लूंगा जब भी लिए मैं, ठीक है? यस सर। ठीक है सर, चलो बच्चों, वी आर डन विद आवर पैथोलॉजी, अब आपको फाइनल्स और वायरस वगैरह की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।